आप ही आए हो। मैंने सुबह बोला था तुम्हें 4:30 बजे कॉल किया तो उठा के नहीं। 5:30 बजे उठा था, 5:30 बजे भी सुबह ही होती है। तो भाई साहब अपने फोटो, तो यहाँ पे कुछ फोटोशूट दे रहे हैं हम लोग, समाज सेवा। DSLR से कर दो। हुमायूंस टॉम्ब मकबरे का निर्माण हुमायूं के निधन के 9 साल बाद सन 1565 में शुरू हुआ था। 20 जनवरी 1556 में हुमायूं के निधन के बाद से ही इस मकबरे का काम शुरू हो गया था। इस मकबरे को तैयार करने के लिए विदेश से खास तौर पर आर्किटेक्ट बुलाए गए थे। इसकी हाइट देखो यार, मेरे को ये बताओ ये आर्किटेक्चर उस समय पे कैसे करते होंगे, क्या जुगाड़ लगाते होंगे, वो इतना भारी भारी सामान इतना ऊपर कैसे चढ़ाते होंगे। खींच के रस्सी से लकड़ियों को बना के जैसे गांव में करते हैं। यह मकबरा करीब 30 एकड़ में बना हुआ है और इसमें हुमायूं के साथ साथ हुमायूं के परिवार की भी कब्र है। हाँ तो अब बताओ, अभी तुम्हारा जो बाल विवाह हो रहा है तुम्हें कैसा लग रहा है? बाल विवाह हो रहा है, थोड़ा लाउड बोलो। हाँ बाल विवाह नहीं हो रहा है, अचानक पता लगा हुआ हमारा। कितने वर्ष का हो तुम? 26। इसका बाल विवाह हो रहा है 26 साल की उम्र में। भाई 26 साल की उम्र में बाल विवाह ही होता है आज के टाइम पे। अगर आपको इस इमारत के बारे में पढ़ना हो तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। लेके चल रहे हैं ईशा खान के मकबरे में। ऊपर देखिए, ये पर्दा देखिए, लोहे का पर्दा है, काफ़ी स्टाइलिश पर्दा लगा हुआ है। ईशा खान से भी थोड़ा भेंट मुलाकात कर लेते हैं, बुरा मान जाए। अच्छा यहाँ पे ना आवाज़ गूंज रही है क्योंकि पैक है। कू कू ये अच्छा एक बात बताओ, अगर तेरे को यहाँ पे अंदर बंद कर दिया जाए तो कैसा लगेगा? थोड़ा आधा एक घंटा तो ठीक लगेगा। नहीं, रात में हो जाएगी। क्यों अच्छा तेरे को इनसे डर नहीं लगेगा? इनसे क्या डरना है, तेरे को पता है नहीं है इसके अंदर है भी कुछ या नहीं है।